दोस्तों ये वाले अंडे प्योर कड़कनाथ के हैदराबाद राजेंद्र नगर पोल्ट्री यूनिवर्सिटी से लाए हैं, जो गवर्नमेंट की है। वहाँ से टोटल 22 अंडे लाए हैं। इसमें थोड़े अंडे दिख रहे हैं आपको, ये पूरे अंडे इंक्यूबेटर में डालेंगे, इंक्यूबेटर में डालकर चिक्स निकालेंगे। 21 डेज बाद इस तरह से चूज़े निकले हैं दोस्त। ये चूज़ों को हम क्या करेंगे, ब्रूडिंग करेंगे। डे ओल्ड से ही ब्रूडिंग किस तरह से करना है ये सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट यानी 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का मैं कॉटन ले लिया हूँ यहाँ पर। ये देखिए, 1 बालिश और 1.5 बालिश, थोड़ी सी कम है, ये 1.5 बाई 1.5 फीट का है। इस तरह का 2 कॉटन्स ले लिया हूँ। 2 कॉटन लेकर यहाँ पर इस तरह से कट कराऊँ, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रहता है यहाँ पर कॉटन, तो मैं इसे कट कर दिया हूँ। सेम इसी तरह से इसे भी कट करते हैं, ये कॉटन को भी। चलो दोस्तों, अभी ब्रूडर तो रेडी हो गया अपना। देखिए किस तरह से मजबूत की से वायर बंधी है, यहाँ पर एक टाका और इस तरह से यहाँ पर नीचे एक, और इधर साइड भी वायर से अच्छे से बंद देकर इधर भी बंधी है। अभी ये वाले चूज़े देखिए किस तरह से बाहर निकल कर भाग खेल रहे। अभी सबको पकड़ना है, सिर्फ इसमें डाल देना है। पेपर भी डाल दिए, डे ओल्ड बच्चों की ब्रूडिंग भी बताऊँगा मैं आज आपको। अभी क्या करेंगे, फ्रेश पेपर डाल दिए के बाद डायरेक्ट पूरे चूज़ों को हम इसमें डाल देंगे, ये वाले ब्रूडर में। उस तक अपना ब्रूडर रेडी हो गया है। चूज़े देखिए सारे, इसमें मैं 5 चूज़े देसी के मिलाया हूँ, ओरिजिनल देसी के, जो कलर हम पहचान सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर 2 है और साथ में 2, पूरे 5 है प्योर ओरिजिनल देसी के, 5 और 22 कड़कनाथ के। तो और क्या, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट भी लगा दी है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसका सेटअप हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें थर्मोमीटर रखेंगे, डिजिटल थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर। यहाँ पर देखिए बाहर 30 डिग्री सेल्सियस बता रही है। तो अभी क्या करूँगा मैं, इसका स्टैंड इस तरह से ठहरा कर दूँगा इधर कॉर्नर पे। तो देखते हैं ये कॉर्नर पे कितनी टेम्परेचर रहेगी एक एक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर कॉर्नर पे आपको 34 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर रहना है। तो यहाँ पर बीच में कितनी रहेंगी, 36 रहेंगी। तो अभी सारे चूज़े तो एकदम परफेक्ट है। इस तरह से डे ओल्ड पे हम बच्चों का प्रोसेस यहाँ तक करके अभी दाने में और पानी में क्या देंगे, ये भी देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये वेट मशीन है, तो 0 ग्राम्स बता रही है। ये डब्बा रख दूँगा, खाली डब्बा, तो 15 ग्राम ये खाली डब्बे का वेट है। तो इसे माइनस कर लूँगा तो 0 हो गया है। अभी इसमें दाना डालते हैं, स्टार्टर फीड। स्टार्टर फीड डालकर मापते हैं कि कितना दाना। अभी यहाँ पर देखिए दोस्त, टोटल 150 ग्राम्स दाना स्टार्टर फीड ले लिया हूँ मैं। ये देखिए, ये तो डब्बे का वेट है, -14 जो बता रहा है ये डब्बे का वेट। तो टोटल 150 ग्राम्स दाना अभी मैं इस तरह से यहाँ पर रख दूँगा, और थोड़ा सा पेपर के ऊपर भी डालूँगा इस तरह से, ताकि स्टार्टिंग डे ओल्ड पे आपको पेपर पे कंपलसरी डालना है, ताकि हर बच्चा डब्बे में उतर कर या डब्बे में नहीं खाएगा ना दोस्त। इसीलिए इस तरह से पेपर में डाल रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखेंगे कितना दाना टोटल फीड, ये उम्मीद करते हैं इनको 6 महीने तक पालेंगे इंशाल्लाह, अगर से बजट की प्रॉब्लम नहीं आई तो 6 महीने तक पाल कर दिखाएंगे कि आपको मतलब कि फीड का खर्चा कितना आ रहा है। मुर्गी पालन करते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है दोस्त, वो बात क्या है, हम बच्चे बड़ा कर रहे हैं तो उसको खर्चा कितना लग रहा है। यानी आप मान लो 500 रुपये में आपके पास एक बर्ड जा रहा है, बिक रहा है, तो उसे खर्चा कितना आ रहा है। आपको 400 रुपये खर्चा आ रहा है, या 300 रुपये आ रहा है, या 200 रुपये आ रहा है, या 500 का बेच रहे हो तो आप 600 का खर्चा कर रहे हो क्या वो बर्ड के ऊपर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी आपको मालूम रहना है, यानी बच्चा कितने खर्चे में बड़ा होगा, यानी मुर्गा या मुर्गी बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अभी यहाँ पर स्टार्टर फीड भी डाल दिए हम, तो अभी गुड़ का पानी भी रख देते हैं। गुड़ भी किस तरह से रखना है, देखिए 22 तो कड़कनाथ के, 5 ओरिजिनल देसी है, तो टोटल 27 हो गए। 27 ग्राम्स हम गुड़ ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये वाला गुड़ डबल फिल्टर का मत लीजिए, सिंगल फिल्टर का है तो बस है। 25 ग्राम्स गुड़ हम क्या करेंगे इसके ऊपर रख दे रहे। तो देखिए 13 ग्राम्स हो गया है वो, और थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं। यहाँ पर रख देंगे अभी 27 ग्राम्स डालना है टोटल, एग्जैक्ट 27 ग्राम्स हो गया है। अभी कितने पानी में डालना है, दिन भर के पानी में, यानी 24 आवर्स के पानी में बच्चों को पिलाना है।
अभी तक जो गुड़ मापे हैं दोस्त हम 27 grams, वो ये ढक्कन में ले लिए और यहाँ पर 160 ml का फिज़ा का बॉटल है, 160 ml पानी में आएगा इसमें। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा कम ले लिया हूँ मैं इसमें, यानी 150 ml पानी ले लिया हूँ। तो अभी ये गुड़ को हम इस तरह से ये पानी थोड़ा सा डालकर ये घुला लेते हैं पूरा सा, ठीक है, इस तरह से घुलाएंगे। चलो अभी पूरा पानी ये पी लेना चाहिए 24 आवर्स में बच्चे। तो अभी क्या करेंगे हम, एक बच्चे को 1 gram गुड़ का पानी कंपलसरी मिलना चाहिए दोस्त। तो अभी देखिए हम टोटल सीरीज़ बनाएंगे, हर दिन वीडियोस आएंगे इसके ऊपर किस तरह से पाल रहे कहकर, मिस मत होना वो वीडियोस, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोस में मुर्गी के साथ बच्चों को किस तरह से पालना है ये बताया हूँ, बट ब्रूडिंग कर किस तरह से पालना है ये बहुत कम वीडियोस में बताया हूँ। और आज से डेली सीरीज बनाएंगे इस पर किस तरह से करे कहकर। तो अभी तो इस तरह से गुड़ का पानी तो घुला लिए हम ये, तो और क्या करेंगे अभी, ये पानी को सिर्फ इसी तरह से मुर्गी के बच्चों में लेके जाकर रख देंगे। अभी ये वाटर रखने का तरीका भी देखिए दोस्त, अगर से आप वाटर फुल भर कर रखोगे ना थोड़ा सा गिर जाएगा, तो इसीलिए आप क्या करना है, थोड़ा सा कम रखना है और ध्यान देना है कि पेपर के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। तो ये कॉर्नर में रख दीजिए, एक कॉर्नर में इस तरह से। तो अभी रखे के बाद उसके ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हो आप। अभी देखिए वो बर्तन में फुल पानी नहीं लाया था, थोड़ा सा कम लाया था मैं, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी अभी डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टोटल 150 ml वाटर ये ढक्कन में माया है। तो और थोड़ा सा इसे इस तरफ हटा दूँगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वाटर रख दिए हम, दाना रख दिए और टेम्परेचर देखिए एक बार 33.2 बता रहा है, यानी यहाँ पर एकदम बीच में कितना रहेगा टेम्परेचर, लगभग 35 के करीब रहेगा। तो 35 से 36 रहेगा डे ओल्ड पे, तो बहुत बेहतर रहेगा टेम्परेचर। दोस्तों आप डे ओल्ड पे गुड़ का पानी, स्टार्टर फीड, जिस तरह से लाइट लगाए हम, जितनी मेजरमेंट पे ब्रूडर बनाए हैं, इस तरह से करना है। ये वीडियो में आपको क्या सिखाया हूँ, ब्रूडर किस तरह से बनाना है और डे ओल्ड ब्रूडिंग किस तरह से करना है ये समझा दिया हूँ। कल मॉर्निंग 8 बजे डे 2 ब्रूडिंग मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। ब्रूडिंग कर पालना सीख कर रखना बहुत ज़रूरी है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अभी ये अपनी 25 बर्ड्स को भी देख लीजिए दोस्त, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, कैसे है। यहाँ पर देखिए जाली में से बाहर आ रहे, रोज़ फीड का कॉस्ट बचाने के लिए। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ कनकी डाल रहे, बाहर ही जा रहे, खा रहे, आराम से आ रहे, काफ़ी बड़े भी हो गए, लगभग 6 महीने के हो गए। कल बताऊंगा मैं ये कितने दिन के हुए हैं और इसमें कितने अंडे दे रहे हैं, गेस कर सकते हो कोई भी अंडा दे रहा है क्या कहकर। तो कल के वीडियो में देंगे और अंडे जल्दी देने किस तरह से लगाना है ये भी बताऊँगा। 6 महीने पर अंडा नहीं दे रही है मुर्गी, तो क्या करना चाहिए डिटेल से रहेगी टॉपिक, इसीलिए टॉपिक्स मिस मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं कल से। फिर वो वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर लेना दोस्त, ताकि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो भी कर लिए तो ही मेरे अगले वीडियोस आएंगे आपको, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और याद भी रखिए, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत, हैव ए वंडरफुल डे।